नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे जितने सारे दोस्त H61 M.2 वाला या फिर 81 M.2 मदरबोर्ड ले रहे हो और NVMe SSD लगा रहे हो, लेकिन विंडो इंस्टॉल करते वक्त आपको दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त मुझे कमेंट में कहा है कि प्रोसेस पूरा दिखाऊँ, इसीलिए यह प्रोसेस है। तो फिर फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने जेब्रॉनिक्स NVMe M.2 बोर्ड लिया है 61 वाला, और i5 प्रोसेसर लगा दिए और 4GB वाला रैम लगा है, 256GB SSD लगाया हूँ। अब मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए M.2 PCIe 256GB SSD दिखा रहा है आपको। हाँ, और ये विंडोज 10 बूटेबल पेन ड्राइव है। मैं पहले आपको प्रॉब्लम दिखाऊँगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन भी बताऊँगा, आप वीडियो को देखते रहिए। चलिए अब रिस्टार्ट करके पेन ड्राइव से बूट करते हैं। देखिए यहाँ विंडोज़ का लोगो आ गया है, मतलब पेन ड्राइव से बूट हो रहा है। ये चलिए अब नेक्स्ट कर देते हैं, फिर इंस्टॉल नाउ। फिर नेक्स्ट, आई डोंट हैव प्रोडक्ट की करके नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अब विंडोज 10 प्रोफेशनल वाला इंस्टॉल करेंगे, तो नेक्स्ट। अब आई एक्सेप्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट। अब कस्टम, अब यहाँ देखिए अनएलोकेटेड स्पेस है 238.5 GB, और यहाँ देखिए लिखा है हाँ विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल टू दिस डिस्क। यही प्रॉब्लम आपको को सता रहा है, तो इसी का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। यहाँ अगर मैं आप ड्राइव बनाना चाहोगे तो देखो पार्टीशन 1 हो गया है, लेकिन इस ड्राइव में आप विंडो इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। देखो सो डिटेल्स में अगर जाते हो तो वही विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिस्क, हार्डवेयर में नॉट प्रॉपरली, और बायोस में भी चेक करने के लिए बोल रहा है। मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ मैं बंद कर देता हूँ और चलो मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे। हाँ, ये मैंने गूगल ओपन कर लिया है, और यहाँ आपको टाइप करना होगा रूफ़ुस। ये एक पेन ड्राइव बूटेबल सॉफ्टवेयर है, और शायद आपको ही पता होगा। हाँ, रूफ़ुस पहला वाला वेबसाइट ओपन कर लेते हैं और नीचे चलते हैं। हाँ, यहाँ से आप 3.2.1 वाला लेटेस्ट जो वर्ज़न है वो भी इंस्टॉल कर पाओगे, और अगर पुराना वर्ज़न आपको चाहिए तो यहाँ से आपको पुराना वर्ज़न मिल जाएगा। मैं तो रूफ़ुस का 1.4.6 यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ये बेसिक है, ज़्यादा उसमें फंक्शन है नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं, तो इसलिए मैं 1.4.6 यूज़ करता हूँ। चलो ये वो विंडोज 10 वाला जो पेन ड्राइव है वही पेन ड्राइव है। हाँ देखो ये पेन ड्राइव शो कर रहा है इधर। तो फ्रेंड्स यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए 16 GB है जी ड्राइव, ये मेरा पेन ड्राइव ही है, और ये पार्टीशन स्कीम है, यहाँ MBR के हटा के GPT पार्टीशन करना होगा UEFI कंप्यूटर में जो लिखा है। मतलब GPT पार्टीशन स्कीम पर UEFI कंप्यूटर करके आपको वो ISO फाइल देना है। हाँ ये चेंज हो जाएगा, आपको फिर से GPT पार्टीशन करना होगा। आप एक काम कीजिए, पहले ISO फाइल सिलेक्ट कर लीजिए, फिर ये 3 नंबर वाला ऑप्शन GPT पार्टीशन कीजिए, करने के बाद स्टार्ट कीजिए। अब ये वार्निंग दे रहा है कि ये सब डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा पेन ड्राइव का। चलिए अभी ओके कर दिया। हाँ अब ये देखिए बूटेबल होना स्टार्ट हो गया है। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, पहले बूटेबल हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स अब बूटेबल हो गया है पेन ड्राइव, अब मैं फिर आपको दिखाता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। अब नॉर्मल सा इंस्टॉलेशन होगा, तो बोर्ड को ऑन कर लेते हैं, और ये पेन ड्राइव नहीं ऑन करने से, तो पहले पेन ड्राइव लगा लेते हैं और फिर मदरबोर्ड को ऑन कर देते हैं। ये बोर्ड ऑन हो गया, और करेंगे पेन ड्राइव से बूट। देखो ये विंडोज़ का लोगो आ गया है, मतलब हमारा बूट भी पेन ड्राइव से ही हो रहा है। नेक्स्ट करते हैं पहले,
फिर इंस्टॉल नाउ, जैसे नॉर्मल इंस्टॉल करते हो आप उसी तरह इंस्टॉलेशन होगा। फिर आई डोंट हैव प्रोडक्ट की कर देते हैं, फिर विंडोज 10 प्रोफेशनल सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, फिर आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, फिर नेक्स्ट, अब फिर कस्टम। यहाँ देखिए वही अनएलोकेटेड स्पेस है 238.5 GB, न्यू करते हैं। मानो जो भी, अगर मैं छोटा ड्राइव बनाना चाहता हूँ तो लगभग 50 GB का अगर ड्राइव बनाना है तो मैं 50 GB का ही सिलेक्ट कर देता हूँ, लगभग 50 के आसपास। अप्लाई करते हैं और ये ओके कर देते हैं। देखो यहाँ पार्टीशन बन गया है, अब सिर्फ पार्टीशन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है तो ये विंडो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो इंस्टॉल होना भी स्टार्ट हो गया है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ विंडो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। जो भी मेरे दोस्त 6181 M.2 वाला बोर्ड खरीद रहे हो, वो जेब्रोनिक्स का हो सकता है या फिर कोई भी कंपनी का हो सकता है जो मार्केट में अभी चल रहा है, और आप NVMe SSD लगा के विंडो इंस्टॉल करते जाओ तो आपको इसी तरह का एरर आ रहा है, तो मेरे इस वीडियो से आपको 100% मदद मिलेगा। और मैं यहाँ आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया, पहले प्रॉब्लम फिर सॉल्यूशन भी बताया। उम्मीद करते ये मेरा वीडियो आपके बहुत काम में आए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।